मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। पालतू कुत्तों के काटने की वारदात लगातार बढ़ रही है। मुंबई के पनवेल इलाके में इंडिया बुल्स कॉम्प्लेक्स में एक जोमेटो डिलीवरी बॉय को एक पालतू जर्मनी शेफर्ड डॉग ने उसके प्राइवेट पार्ट पर अचानक काट लिया है, जिसकी वजह से ये डिलीवरी बॉय नरेंद्र पीरियर गंभीर रूप से घायल हो गया है। जब लिफ्ट से ये बाहर निकल रहा था, उसी दौरान इस कुत्ते ने इसे काट लिया है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र ये कलम्बोली के रहने वाले हैं और घायल अवस्था में इन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वही ठाणे के एक पंडाल के पास तेज बारिश के दौरान अचानक पेड़ गिरने से एक 35 साल की महिला की मौत हो गई है, जबकि एक 30 साल का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठाणे में किराएदार ने मकान मालकिन की हत्या कर फरार हो गया था, मगर पुलिस ने आरोपी विजय केवट को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में इसने बताया कि बुजुर्ग मालकिन के पास सोने की चेन और सोने की चूड़ियां थीं और हत्या करके उसकी और उसके जेवर लेकर ये फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने अभी से गिरफ्तार कर लिया। वहीं उल्लासनगर में 25,000 रुपये रिश्वत लेने के मामले में ठाणे एंटी करप्शन ब्यूरो ने उल्लासनगर महानगर पालिका के 3 कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि 2 कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 1 अभी भी फरार है और इसकी तलाश जारी है। वहीं मुंबई के प्रभा देवी इलाके में शनिवार को बेस्ट के एक सब स्टेशन में भीषण आग लग गई थी। आग दोपहर 3 बजे के आसपास में लगी है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। हालांकि ये आग कैसे लगी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है और आग में किसी के हाथ होने की भी खबर सामने नहीं।